नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। और हम देखने वाले कि आप किस तरीके से इस फोन में स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के इस फोन में है 7 अलग अलग तरीके, तो आइए दोस्तों देखते हैं उन सभी 7 अलग अलग मेथड को वन बाय वन। सबसे पहला तरीका है हार्डवेयर के इस कॉम्बो का, तो आपको पावर बटन और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके तुरंत करना है रिलीज इस तरीके से, और आपके फोन में कैप्चर होगी स्क्रीनशॉट। तो आपको दोनों को प्रेस करके रखना नहीं है, आपको दोनों को प्रेस करके तुरंत छोड़ देना है इस तरीके से, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन। इस फोन में आप पाम टू कैप्चर का भी यूज कर सकते हो, मतलब कि आपको अपने फोन के स्क्रीन पे पाम को अपनी हथेली को टच करना है और ऐसे स्वाइप करना है। इस तरीके से आपके फोन में कैप्चर होगी फोटो। आपको हथेली को ऊपर हवा में नहीं रखना है, उसे आपको टच करना है स्क्रीन पे, फिर आपको उसके बाद स्वाइप करना है। तो इस मेथड को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एडवांस फीचर्स में, जेस्चर्स एंड मोशंस में, और यहाँ पे आपको मिलेगा नीचे ऑप्शन पाम स्वाइप टू कैप्चर, आपको इसे ऑन करना है। इस फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए एक क्विक टॉगल दिया गया है, तो आपको उसे इनेबल करने के लिए जाना है कंट्रोल सेंटर में, प्लस के साइन पे टैप कीजिए और ऊपर में होगा टेक स्क्रीनशॉट, आपको यहाँ पे इसे ड्रैग करना है, लॉन्ग टैप कीजिए, पांचवें या छठे नंबर पे इसे प्लेस कीजिए, डन कीजिए। तो आपको अब क्या करना है, आपको होम पेज पे करना है स्वाइप डाउन, और ये रहा स्क्रीनशॉट का टॉगल, आपको इस पे टैप करना है, स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगी। तो ये भी काफी आसान तरीका है, आप इस फोन में एज पैनल के जरिए भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो। तो पहले इसे इनेबल करने के लिए जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में एज पैनल्स को ओपन कीजिए, इसे ऑन कीजिए, जाइए पैनल्स में और आपको स्मार्ट सिलेक्ट और टास्क को ऑन करना है, टिक कीजिए। बैक जाइए हैंडल में, आपको इस पैनल को रखना है एग्जैक्ट वॉल्यूम बटन के सामने, तो वॉल्यूम बटन के सामने इसे प्लेस कीजिए। इसके अलावा विड्थ जो है इसे मीडियम पे रखना है, ट्रांसपेरेंसी कर देनी है इसकी हाई। तो हमने अपने फोन में एज पैनल को इनेबल कर दिया है, हालांकि आपके स्क्रीन पे ये पैनल शो नहीं करेगा। आपको वॉल्यूम बटन के सामने करना है स्वाइप इस तरीके से, और यहाँ पे आपको मिलेगा एज पैनल, जो हमने ऐड किया है टास्क वाला पैनल वो है ये टास्क पैनल, जिसमें आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट का ये ऑप्शन, आपको इस पे टैप करना है। इस तरीके से भी आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाओगे, काफी आसान तरीका है, बस आपको करना है एक बार स्वाइप और यहाँ पे टैप। आप अपने फोन में अलग अलग शेप में भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो, जैसे कि सर्कल, ओवल, स्क्वायर या रेक्टेंगल। तो उसके लिए आपको एक्सेस करना है एज पैनल को, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये पैनल जो है स्मार्ट सिलेक्ट वाला, जिसमें लिखा होगा रेक्टेंगल ओवल, आपको रेक्टेंगल पे टैप करना है। सबसे पहले आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर पाओगे, ये है स्क्वायर शेप, हालांकि आप इसे चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और फिर आपको करना है डन पे टैप, आपको जिस पोर्शन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है उस पे इस तरीके से प्लेस कीजिए, फिर आप कीजिए डन, और इसे सेव करने के लिए नीचे सेव के बटन पे टैप कीजिए, जो स्क्रीनशॉट है सेव हो जाएगी आपके गैलरी ऐप में, आप देख सकते हो। सेम तरीके से अगर आपको सर्कल या ओवल में करना हुआ तो ओवल पे टैप कीजिए, ये है सर्कल, हालांकि आप इसे ओवल भी कर सकते हो इस तरीके से, फिर आपको अपने हिसाब से प्लेस करना है और फिर करना है डन सेव। इस फोन में आपको मिलता है वन टैप स्क्रीनशॉट का फीचर, मतलब कि आपको अपने स्क्रीन पे केवल एक टैप करना पड़ेगा और काफी इजीली आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर कर पाओगे। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, इंटरेक्शन एंड डेक्सिटी में, असिस्टेंट मेनू को ओपन कीजिए, इसे ऑन कीजिए, अलाउ कीजिए, सिलेक्ट असिस्टेंट मेनू आइटम्स पे टैप कीजिए, सभी को आपको यहां से रिमूव करना है माइनस के साइन पे टैप करके, बस आपको एक रखना है स्क्रीनशॉट, बाकी सभी को रिमूव कर दीजिए। तो मैंने रखा है केवल स्क्रीनशॉट, बैक जाइए, फिर ये जो फ्लोटिंग आइकन है इसे आपको प्लेस करना है पावर की के सामने, तो इस तरीके से इसे पावर की के सामने प्लेस कीजिए, फिर आपको शो एज एज आइकन को ऑन करना है, ट्रांसपेरेंसी मैक्सिमम पे सेट करनी है। इसके बाद हमने बटन को यहाँ पे इनेबल कर दिया है, लेकिन यहाँ पे शो नहीं करेगी, लेकिन आपको याद रखना है आपको पावर की के सामने टैप करना है इस तरीके से अपने स्क्रीन पे, आपके फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगी, आप देख सकते हो। काफी आसान तरीका है, आप किसी भी ऐप में हो अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना हुआ तो बस आपको पावर की के सामने टैप करना है इस तरीके से। आप अपने फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी कैप्चर कर सकते हो, तो आपको स्क्रीनशॉट को पहले कैप्चर करना है, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा एरो का आइकन, आपको उस पर टैप करके रखना है, लॉन्ग टैप करके रखिए इस तरीके से, जितना एरिया कवर करना है उतना कवर कीजिए, और हो जाने पर आपको इसे करना है रिलीज, और ये है स्क्रीनशॉट, टैप करके आप उसे इस तरीके से देख सकते हो अपने गैलरी ऐप में। आखिरी तरीका है वॉइस कमांड का, तो आप अपने फोन को टच किए बिना स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हो, उसके लिए आपको कहना है हे गूगल स्क्रीनशॉट। ओके, टेकिंग द स्क्रीनशॉट।
इसे सेव करने के लिए आपको जाना है सैमसंग नोट्स में, इस पे टैप करना है, नोट्स के आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा सेव का ऑप्शन, सेव इमेज। इसके बाद ये जो इमेज है आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने वॉइस के जरिए भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हो अपने फोन में। अगर आपके फोन में ये कमांड वर्क नहीं करना है तो आपको जाना है गूगल ऐप में, प्रोफाइल के आइकन पे टैप कीजिए, सेटिंग्स में जाइए, गूगल असिस्टेंट में जाइए और यहाँ पे होगा जनरल, आपको उसे ओपन करना है। ये रहा जनरल और इसमें होगा यूज स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद ये फीचर आपके फोन में भी काम करेगा। दोस्तों ये थे वो अलग अलग 7 तरीके आपके सैमसंग गैलेक्सी M34 5G में स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के। इनमें से सबसे बेहतर और आसान तरीका आपको कौन सा लगा आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।